एक्चुअली ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है लीडरशिप रोल में. इससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुका हूँ. आई हैव बीन विद ICICI बैंक आल्सो. आई हैव बीन विद सम मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक भारती एक्सा एंड मेट लाइफ काइंड ऑफ. मतलब इसका मुझे अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का और कैसे लीड करना है. तो मैं समझता हूँ जो वहाँ की पॉजिटिव चीज़ें मैंने सीखी हैं लीडरशिप में या मैनेजमेंट में, तो वो मैं अपने टीम पे यहाँ पे उसको लेके चलूँगा. क्योंकि सेल्स का मेरा टीम रोल था, तो यहाँ भी एक किस्म का सेल्स करना है. वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट सेल करते थे, यहाँ एक आइडिया सेल करना है लोगों को, रूरलाइज करने का, रूरलाइजेशन से एम्पावर करना है लोगों को. तो वो एक आइडिया है, तो ये लोगों को समझाना है. तो मैं समझता हूँ जो कम्युनिकेशन सेल्स का जो हम में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो हम लोगों को बेटर हेल्प करेंगे लोगों को समझाने में. तो मैं समझता हूँ अच्छा काम कर पाएंगे हम लोग इसमें. IIRDA का जो एक्सपेंशन है वो आप मिशन रीब के से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मिशन रीब से का एक्सपेंशन जो है वो है रूरलाइजिंग इंडिया एम्पावरिंग विलेजेस. मतलब विलेज को एम्पावर करना है रूरलाइज करके. अब जनरल परसेप्शन क्या है लोगों में कि जो एम्पावर होगा विलेज वो न्यू टेक्नोलॉजी से होगा, लेकिन हम लोग इसको रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह देख रहे हैं कि रूरल जो इथोज हैं, रूरल कल्चर है, रूरल वैल्यूज़ हैं रूरल लोगों की, तो उन्हीं को हम उन्हीं को पॉजिटिव लेके इसको एम्पावर करेंगे विलेज को. तो मतलब ये जो IIRDA का जो एक टैगलाइन आप उसमें से हैं, तो रूरलाइजिंग इंडिया एम्पावरिंग विलेजेस, ये एक बहुत बढ़िया मतलब.